नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग बात करेंगे अमरूद के पत्तों के बेनिफिट्स, अमरूद के पत्ते के खाने से क्या फायदा होता है, अमरूद के पत्ते को किस तरीके से खाया जाता है और हमारे शरीर में कौन कौन सी ऐसी तकलीफ है जो अमरूद के पत्ते के खाने से ठीक हो सकती है। तो सबसे पहली बात, अमरूद के पत्ते आपको ईजली अपने बगीचे में, अपने आस पड़ोस सब जगह मिल जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा पौधा है जो कहीं ना कहीं हम लोग उसको उगाते हैं और उसके फल को अपने डेली यूज में लेते हैं। तो उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा गुणकारी, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। आइए हम देखते हैं अमरूद के पत्तों के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात, अमरूद के पत्ते खाने से आपका ब्लड शुगर, खून में जो शुगर की बीमारी होती है वो कंट्रोल होता है, वो सही लिमिट में आता है। ऐसा बोलते हैं कि अमरूद के पत्तों में फिनोलिक टाइप का कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ने से कम करता है और रेगुलेट करके रखता है। और दूसरी बात, आपके इंसुलिन को इंक्रीज होने नहीं देता है, इंसुलिन को भी कंट्रोल करके रखेगा और अपने ऊपर इंसुलिन की कैपेसिटी, आपके जो पैनक्रियास है जो इंसुलिन बनाती है, वो इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी को मेंटेन करके रखेगा। तो पहली बात, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को सबसे ईजिली डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरी बात, ये हमारे वेट लॉस कराने में हेल्प करता है। जो लोग ओबेस होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, उनके में बहुत ज्यादा वेट आ जाता है, उस वेट को लॉस कराने के लिए काम करता है, क्योंकि इसमें बायो एक्टिव टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट रहता है जो कि वेट को इजीली डाउन कराता है। और हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव कैलोरी रहती है, कैलोरी मतलब हम जो एक्सेसिव खाए रहते हैं और वो ज्यादा मात्रा में कैलोरी के फॉर्म में भरा रहता है, उस कैलोरी को एक्सपेंडिचर कराने काम करता है। एक्सपेंडिचर मतलब उसको यूज कराता है, बर्न कराता है। हमारी बॉडी में जितनी कैलोरी बर्न होगी उतने ज्यादा हम स्लिम एंड ट्रिम एंड फिट दिखेंगे। तो सबसे मेन काम है इसका वेट लॉस कराना और हमारे कैलोरी को डिक्रीज करना। और साथ में ऐसे जीन प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में जो वेट इंक्रीज कराते हैं, तो उस जीन्स की कैपेसिटी, उस जीन के काम करने की क्षमता को रिड्यूस करके हमारे बॉडी को मेंटेन कराने का काम करता है। तीसरी बात, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाके जमता है, वो आपके आर्टरीज और वेन्स में जाके जम जाता है। जमने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है, जो हमारी हार्ट में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, वो फ्लो धीमा हो जाता है। धीमा होने की वजह से सही मात्रा में हार्ट में ब्लड नहीं मिलता और हमें तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज होने की वजह से ब्लड में, आर्टरीज में प्रॉपर तरीके का ब्लड फ्लो होगा और वो पूरा ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होगा। और साथ में ये ट्राइग्लिसराइड के जितने भी लेवल्स हैं और LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब जो खराब वाला जो कोलेस्ट्रॉल है, LDL, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, तो जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको भी डिक्रीज करता है, उसकी मात्रा इंक्रीज होने नहीं देता। और साथ में हार्ट से रिलेटेड डिजीज, हार्ट में हमारे दिल में उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारा लेवल में रहेगा तो हमारा हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं उत्पन्न करेगा। उसके बाद है हमारा डाइजेशन, खाने की पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है। इसके पत्ते खाने से हमें पाचन क्रिया इम्प्रूव होता है, हम अच्छे से खाना पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। गैस बनने की जो समस्या होती है वो डिक्रीज हो जाता है, शरीर में गैस नहीं बनता है, एसिडिटी नहीं बनती, बदहजमी बोलते हैं, यहाँ जलन होता है सीने में वो नहीं होता। और साथ में आपका डायरिया डिक्रीज होता है। अगर मान लो आपको डायरिया हो गया, दस्त की बीमारी हो गई है, तो भी डिक्रीज हो जाएगा। साथ में इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, IBD, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज मतलब आपके जो बॉवल एरिया है, बॉवल एरिया किसको बोलते हैं हम, आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत। तो बड़ी आंत और छोटी आंत में अगर कोई सूजन है या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है और उससे रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, उन सब को कम करने का काम करता है। उसके बाद ये आपके ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करता है, आपके मुंह के हेल्थ, आपके ओरल कैविटी के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर आपको मुहासे हो रहे हैं या तो आपको ओरल अल्सर हो रहा है, माउथ अल्सर हो रहा है, या तो आपको दांत में सूजन है, दांत दर्द हो रहा है, या तो जिंजिवाइटिस हो रहा है, या तो आपके पूरे ओरल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में आप अमरूद के पत्ते खा सकते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट उठ करके 4 से 5 अमरूद के पत्ते तोड़ लें, फ्रेश वाले, उसको साफ पानी से धो लें, उसके बाद अब उसको चबा चबा के अच्छे से खा के उसको निगल लेना है, जिससे आपकी ओरल कैविटी का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो अमरूद के पत्ते हैं वो आपके एक्नी,
पिंपल को भी दूर करने के काम करते हैं और चेहरे पे जो ब्लैक स्पॉट बन जाता है वो भी दूर करने के काम करते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप 5 से 6 अमरूद के पत्ते सुबह ले करके आप उसको अच्छे से मिक्सी या जार में पीस लें। पीसने के बाद आपके फेस में उसका लेप लगा लें। लेप लगाने के बाद 30 से 40 मिनट के बाद आप उस फेस को साबुन से धो लें या सिंपल वाटर से, प्लेन वाटर से धो लें। इससे क्या होगा, आपके चेहरे पे जितने भी पिंपल भरे हुए हैं वो सारे पिंपल में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन है, रेडनेस है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगा और आपको राहत मिलेगी। उसके बाद इसका दूसरा काम, अगर जितनी से पुरानी खांसी क्यों ना हो, ये खांसी को भी ठीक करने का काम करता है। और ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो या अस्थमा नाम की बीमारी हो, सबको ये ठीक करने का काम करता है। उसके बाद अगर मान लो आपको डेंगू हुआ है, डेंगू फीवर, डेंगू के जो बुखार आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो प्लेटलेट की मात्रा है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है, तो प्लेटलेट की मात्रा को भी इम्प्रूव कराता है। उसके बाद आपके शरीर में कहीं पे एलर्जी हुआ है, एलर्जी मतलब खुजली वगैरह हो गया, किसी चीज से रिएक्शन हो गया है, वो सब चीज को ठीक कराता है। जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, इस टाइप के एलर्जी हमारे शरीर में होते हैं, इन सब को ठीक कराने में हेल्प करता है अमरूद के पत्ते। हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेयर ग्रोथ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नेचुरल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो जो नेचुरल केमिकल है वो आपके हेयर में उत्पन्न होने वाले जितने भी फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सबको मारने की क्षमता रखती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। तो उससे आपका हेयर में जितने भी फंगस है वो खत्म होंगे और आपके हेयर का ग्रोथ इंप्रूव होगा। इसमें आप पेस्ट करके, अमरूद के पत्तों का पेस्ट बना करके आप हेयर में हेयर मास्क की तरह अप्लाई कर सकते हो, और या तो आप 2-3 ग्लास में आप कम से कम 10 बार अमरूद के पत्तों को उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका जो पानी है उस पानी से आपको बालों को धोना है, उस पानी को आपके बालों में लगाना है, इस तरीके से हेयर ग्रोथ ये होगा। उसके बाद है आपके ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है, सांस लेने की क्षमता, क्योंकि ऐसी बीमारी होती है, अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, जिसमें हमारे फेफड़ों का सूजन हो जाता है, फेफड़े सूज जाते हैं, फेफड़ों में जो श्वास नली है वो सब सूज जाती है, सूजने की वजह से उसके रास्ते सकरे हो जाते हैं, जिसमें हमारी ऑक्सीजन आना जाना नहीं हो पाता। तो वो क्या करता है, इस सबको इम्प्रूव करता है। आप क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी, उबला हुआ गर्म पानी में जब 3-4 पत्ते या कम से कम 10 बार आप अमरूद के पत्ते उबाल लें, उबालने के बाद उसका जो भाप है उसको आपको लेना है, भाप भी लेना है, और साथ में उस पानी को भी आप ठंडा करके पी सकते हैं, तो इससे आपकी ब्रीथिंग इंप्रूव होगी। उसके बाद है आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विटामिन B3 और विटामिन B6 रहता है। ये दोनों विटामिन क्या करते हैं कि आपके ब्रेन में खून पहुंचाने के लिए क्षमता जो रहती है वो इंक्रीज करते हैं। हमारा जो ब्लड है वो हमारे ब्रेन तक जाता है, पूरे ब्रेन को सर्कुलेट करता है, जिससे हमारे ब्रेन की काम करने की क्षमता इंप्रूव होती है। उसके बाद है आपके मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लड़कियों में महीना होता है, माहवारी होता है, उस समय उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द से राहत पाने के लिए आप उबाल के उस गर्म पानी में उस 10-12 पत्ते उबाल करके उस पानी को आप पी सकते हैं। उससे क्या है कि आपका होने वाला पेट दर्द, कमर दर्द वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद है आपके कैंसर को भी रिड्यूस करता है। कैंसर जो होता है एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो जाता है, उस एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ को भी वो रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें लाइकोपीन नाम का एक हार्मोन प्रेजेंट है। लाइकोपीन का काम करने की क्षमता ये है कि जो कैंसर ग्रोथ हो रहा है उसको डिक्रीज कर देना, श्रिंक कर देना। उसके बाद है आपकी इम्यूनिटी लेवल को भी इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपको कोई बीमारी होती तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती, तो इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा, इम्यूनिटी की पावर बढ़ाएगी, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी तो उससे आप अच्छे से लड़ सको। उसके बाद आपको स्लीप भी इंड्यूस करेगा। कई लोगों को नींद नहीं आ पाती, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते, तो गवावा लीप में जो अमरूद के पत्ते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी जो होता है सोने के लिए या नींद लाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि अमरूद के पत्ते के क्या क्या फायदे हैं और उसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला कि आप उसको खाली पेट खा सकते हो, जब मॉर्निंग में सुबह उठोगे तो खाली पेट अमरूद के पत्ते, ताजे पत्ते तोड़ के आप उसको धो के कच्चे आप चबा चबा के खा सकते हो, पहला। दूसरा है आप उसको बॉइल करके उसकी पानी, उसकी टी बना के पी सकते हो, काढ़ा बना के पी सकते हो। तीसरा है स्किन और हेयर के लिए आप उसका हेयर में मास्क लगा सकते हो, स्किन में भी फेस मास्क लगा सकते हो उसका पेस्ट बना करके। तो इस तरीके से अमरूद के पत्ते हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और हमें जानना चाहिए कि हमारे आसपास क्या ऐसी चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आई होप कि आज की टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।